अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना। कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे अधिक मीठे फल होते हैं उसको सबसे अधिक बार पत्थर खाने पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 6 43 MCQ क्वेश्चन के बारे में। ये सभी क्वेश्चंस होंगे इस बुक में से जो आप सामने बुक देख रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके रेलवे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं। अगर आप किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए भी यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। बस वीडियो शुरू करने से पहले आप A4 पेज अपने पास में रख लीजिए, 1 से लेकर के 43 तक की काउंटिंग उसमें लिखिए। आप भी अटैम्प्ट करिए, देखिए कि आपकी तैयारी कितनी स्ट्रांग है रेलवे एग्ज़ाम को लेकर के या फिर अदर किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन, वायुमंडल की सबसे निचली जो परत होती है उसे क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल या फिर शोभ मंडल? तो फ्रेंड, आपको भी एज ए रियल एग्जाम की तरह ही इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, रीड करना है उसी स्किल्स के साथ जिस स्किल्स के साथ आप अपने एग्जाम में क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो होगा आपका डी, शोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, टेक्नोमीटर से, रेन गेज से? तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो है आपका बी, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इंदिरा गांधी? तो थर्ड का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? फेफड़े, किडनी, लीवर, आमाशय? तो 4 का राइट आंसर है आपका बी, किडनी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, ओजोन परत मापने की इकाई है डॉप्सन, मैक, फैदम, वाटसन? तो 5 का राइट आंसर है वो है आपका डॉब्सन। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? 60 बार, 72 बार, 80 बार, 85 बार? 6 का राइट आंसर आपका बी, 72 बार। क्वेश्चन नंबर 7, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये जो अवार्ड है वो किस देश के द्वारा दिया जाता है या प्रदान किया जाता है? स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जापान, फिलीपींस? 7, 7 का राइट आंसर है आपका डी, फिलीपींस। देखिए, क्वेश्चन के पढ़ने की स्पीड इतनी ही मेंटेन करनी है जिस हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ उसी स्पीड से आप भी पढ़िए, ऑप्शन उसी स्पीड से पढ़िए, अपना राइट आंसर लगाइए। अगर आपकी स्पीड काफ़ी स्लो है पढ़ने की तो ये स्किल्स डेवलप करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके एग्ज़ाम में आपको मिलता है 1 घंटा और आप GS में ही अपने आधे घंटे से ऊपर खर्च कर दो पढ़ने में। तो टाइम बचाइए क्वेश्चन को पढ़ने में, उसका राइट आंसर देने में। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्व मतलब सबसे अधिक दान करने वाला जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, ऐसा कौन सा ग्रुप है जो मैक्सिमम दान कर सकता है अपना ब्लड? तो इसका राइट आंसर क्या है 8 का, बहुत 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 इजी क्वेश्चन है ये, डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सौर मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाता है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड? तो 9 का राइट आंसर है आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे कौन? नेल्सन मंडेला, सुकर्णो, अब्दुल गफ्फार खान या फिर नवाज शरीफ? 10 का राइट आंसर है आपका सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त का pH मान कितना है? 5.4, 6.4, 7.4, 6? 11, 11 का राइट आंसर है आपका सी, 7.4। क्वेश्चन नंबर 12 है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश? 12 का राइट आंसर है आपका डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी? 13 का राइट आंसर होगा आपका डी, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 14, फेरेल के नियम का संबंध है पवनों की दिशा से, जलधारा की दिशा से, समुद्री तूफान की दिशा से या फिर प्रति चक्रवात से? 14,
सही जवाब इसका बनेगा आपका, जो ये नियम है ये डिपेंड होता है आपका एयर से, एयर मतलब पवन। क्वेश्चन नंबर 15, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? भारत रत्न को, रैमन मैग्सेसे को, निशाने पाकिस्तान को, गांधी शांति पुरस्कार को? बात कर रहा है एशिया का नोबेल पुरस्कार। ध्यान से सोचिए, राइट आंसर लगाइए, लीजिए आप इसके लिए 10 सेकेंड। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सोचिए सोचिए, दीजिए इसका राइट जवाब। 15 का सही जवाब होगा आपका बी, रैमन मैग्सेसे। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 42, 46, 48, 52? तो 16 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी, 46। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है क्या? यूजेनिक्स, पोमोलॉजी, कैलरोलॉजी, एनाटॉमी? 17, 17 का राइट आंसर है आपका कैलोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18 है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80, 120/30, 120/60, 120/40? तो 18 का जो राइट आंसर है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है आपका ए, 120/80। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे कौन? महेश भारद्वाज, पंडित दीनानाथ वर्मा, पंडित रविशंकर और पंडित विष्णु शर्मा? तो आपको सी और डी में, 19 में कन्फ्यूजन हो सकता है अगर आपने तरीके से पढ़ाई करी है तो। उन स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहूँगा, उनका राइट आंसर है आपका सी, पंडित रविशंकर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? ए बी, ए बी या फिर ओ को? तो 20 का राइट आंसर है आपका ए। देखिए, सर्वग्राही का मतलब क्या होता है? सर्वग्राही का मतलब होता है कि जो सबसे ज़्यादा ब्लड ले सकता है किसी से। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मैं सबसे ज़्यादा ऐसा पर्सन हूँ, मैं ब्लड ग्रुप मैक्सिमम लोगों का ले सकता हूँ। लेकिन सर्वदाता मतलब सबसे ज़्यादा देने वाला कौन सा व्यक्ति होता है? तो वो होता है आपका ओ। ओ ब्लड ग्रुप वाला मैक्सिमम लोगों को अपना ब्लड दे सकता है, मैक्सिमम क्या, सभी को। क्वेश्चन नंबर 21 है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 399, 299, 206 या फिर 270? 21 का सही जवाब जो होगा वो होगा आपका सी, 206। 22 नंबर है, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है कहाँ पर? उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, या फिर उत्तरी पश्चिमी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी, या फिर लौटता हुआ मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो 22 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। क्वेश्चन नंबर 23, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ पर? पैर, बाह में, गर्दन में या फिर इनमें से कोई भी नहीं? 23 का राइट आंसर होगा पैर में। क्वेश्चन नंबर 24 है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है कितनी? 14, 18, 20, 24? तो 24 का सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा आपका 20। अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है शरीर में? वो होती है 20। 25 है, चूना पत्थर किस चट्टान के अपरूप है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या फिर इनमें से कोई भी नहीं? 25, 25 का सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा आपका बी, अवसादी चट्टान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र, पद्म श्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण? 26, 26 का राइट आंसर है आपका सी, भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 27 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस, यकृत, पिट्यूटरी या फिर थायराइड? 27 का सही जवाब जो है वो है आपका बी, यकृत। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28, RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? चार ऑप्शन आपके सामने, विलियम हार्वे, जेनर, लैंड स्टीनर एवं वीनर या फिर लुई पाश्चर? 28, 28 का राइट आंसर है आपका सी, लैंड स्टीनर एवं वीनर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं कहाँ पर घटित होती हैं? आयन मंडल में, ओजोन मंडल में, समताप मंडल में, शोभ मंडल में? तो इसमें से चार में से आपका एक राइट आंसर है। सोचिए, विचार करिए, सही जवाब दीजिए, लिखिए अपना राइट आंसर क्या है। तो 29 का राइट आंसर जो है वो है आपका डी, शोभ मंडल में। देखिए, जो ये शोभ का जो मतलब होता है वो होता है परिवर्तन।
परिवर्तन क्या होता है, हमेशा मौसम में होता है, कभी ठंड होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बरसात होती है। तो ये सब जो परिवर्तन होता है वो होता है शोभ मंडल में। और शोभ मंडल जो होती है ये वायुमंडल की सबसे नीची परत होती है, ध्यान रखना, जिसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर होती है 16 किलोमीटर। अगर बात करी जाए ध्रुवों पर तो इसकी होती है आपकी ऊंचाई 8 किलोमीटर। एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इसको अपनी बुक में यहीं पर पेन डाउन कर लीजिएगा साइड में। और इसके साथ में कभी कभी 165 किलोमीटर सॉरी मीटर वाला क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। चलिए मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, लगे हाथों जब बता ही रहा हूँ आपको। तो इस परत में क्या होता है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान हमेशा घटता है। 165 मीटर जैसे ही आप ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मतलब टेम्परेचर में क्या होगा, कमी आएगी, गिरावट आएगी। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। शायद आपको पता होगा इसके बारे में, जिसको पता है तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि आपको पहले से पता है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक होता है समताप मंडल। जो भी आपकी आपकी ओजोन की जो भी एक्टिविटी होती है वो सब होती है समताप मंडल में। और ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है वो नापी जाती है आपकी डॉप्सन इकाई से। मैं बढ़ता हूँ आगे अपने अगले क्वेश्चंस की और इसी एक वीडियो में। मैं नहीं चाहता कि पूरा वायुमंडल में आपको ऐड करवा दूँ, वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, फिर आपको लगेगा कुछ बच्चों को कि मैं शायद वीडियो से अलग कोई बातें करने जा रहा हूँ। तो आपके कमेंट्स ऐसे आए उससे पहले सावधान, क्वेश्चन नंबर 30, बौर लोक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत, सिनेमा, खेल, कृषि। तो 30 नंबर का जो राइट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 30 का ये है आपका खेती से, एग्रीकल्चर से संबंधित आपका पुरस्कार बोरलोक पुरस्कार। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, डॉक्टर अमृता पटेल, महादेवी वर्मा, सुमित्रा इंद्र पंत या फिर जी शंकर कुरूप। 31 का राइट आंसर है आपका जी शंकर कुरूप। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी अगला है क्वेश्चन नंबर 32, वायु में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 78%, 71%, 0.03% या फिर 21%। 32 का राइट आंसर है आपका 78%। आगे है क्वेश्चन नंबर 33, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ग्रैमी पुरस्कार, बॉर्लोग पुरस्कार, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार या फिर भारत रत्न। देखिए बॉर्लोग पुरस्कार अभी आपने देखा था ये तो खेती से संबंधित है तो ये नहीं हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, बचे आपके ग्रैमी, रैमन, भारत रत्न। तो इसमें से तीन ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है, तो 33 का जो राइट आंसर है आपका ये ग्रैमी पुरस्कार। आपने देखा है कभी कभी एक सिंगर है जिसका नाम है जोयो हनी सिंह, उसका एक गाना था ग्रैमी ले आऊंगा, एक गाने में उसने ये वर्ड यूज करा है, अगर तुम कहो तो ग्रैमी ले आऊंगा। तो ग्रैमी जो है वो है संगीत के क्षेत्र से संबंधित, और जो तुम्हारा जोयो हनी सिंह है वो संगीत को कंपोज करता है। गॉट इट राइट, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ये फैक्ट भी है, उसने ये लाइन भी यूज करी है और वो संगीत क्या करता है, वो डिजाइन भी करता है अपने गानों में खुद। क्वेश्चन नंबर 34 है, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है, कितने से कितना लीटर, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 लीटर। तो 34 का सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा आपका भी 5 से 6 लीटर। आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 35 की, सफेद रक्त का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन, 60 दिन, 40 दिन, 2 से 4 दिन। 35 का राइट आंसर आपका डी 2 से 4 दिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, आमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, अंतःग्रहण में। 36 का राइट आंसर आपका छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन, ब्लड बैंक कहलाता है क्या, पिलिया, इसको बोलते हैं स्प्लीन, लीवर, सेरिब्रम या फिर अस्थि मज्जा। 37 का राइट आंसर आपका ए। और ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद कर लेना तुरंत अभी वीडियो को पॉज करके बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सी है, मृत सागर, कैस्पियन सागर, वॉन झील या फिर सांभर झील। 38 का राइट आंसर आपका वॉन झील। क्वेश्चन नंबर 39 है कि समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है, 20%, 30%, 35%, 45%। 39 का राइट आंसर है आपका सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 है, सामान्य वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है, विषुवतीय क्षेत्र में, समशीतोष्ण क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में, इनमें से कोई भी नहीं। 40 का राइट आंसर है आपका ए, विषुवतीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 41, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, टाइलिन। 41 का राइट आंसर है आपका डी, टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 42 है कि रक्तचाप किस यंत्र में से मापा जाता है, ए बी सी डी, टोपोमीटर, सिविक्बो, मोनोमीटर,
नाइनोमीटर या फिर बैरोमीटर। 42, 42 का राइट आंसर है आपका बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 310 डिग्री केल्विन। तीनों सही हैं, तो निकालिए राइट आंसर क्या रहेगा इसका। 43 का जो राइट आंसर है इनमें तीनों सही हैं एक्चुअली। सेंटीग्रेड में ये बोलते हैं, फ़ारेनहाइट में ये बोलते हैं, केल्विन होता है 310। तो आप ये सभी न्यूमेरिक याद करो। अगर बात करेगा मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, आपको चार ऑप्शन दे सकता है, चारों ऑप्शन ही आपको फ़ारेनहाइट में दे सकता है, चारों ऑप्शन आपको सेंटीग्रेड में दे सकता है, चारों ऑप्शन आपको केल्विन में भी दे सकता है। तो इसलिए तैयारी को थोड़ा सा स्ट्रांग रखिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। शिकार करना हो किसी खरगोश का अगर जंगल में, तो हथियार कम से कम शेर के लेके चलो, ना जाने कब किससे मुलाकात हो जाए, राइट? तो फ्रेंड देखिए क्या करना है आपको, आपको ना तो अधिक किताबें पढ़नी है, ढेर सारी किताबें परचेज करके ले आओ। कल ही बोला था मैंने, वीडियो देखा था शेर वाली बात, तो इतनी सारी किताब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस गिनी चुनी चीजें आपको पढ़नी चाहिए अपने कंपटीशन लाइन में। जैसे रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो इस बुक को आप साथ में ले लीजिए। अगर बुक परचेज नहीं भी कर सकते हो अगर आप, तो कम से कम लूसेंट जीके नीली वाली बुक को परचेज कर लो। वो बुक परचेज करनी पड़ेगी, ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, 140 150 से ऊपर की बुक वो नहीं है, उसको मार्केट से जाके परचेज कर लो। तो उसमें से कितना पढ़ना है उसके कंप्लीट वीडियो इस चैनल पे आपके सामने अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाओ, ऑडियो वीडियो दोनों मिलेंगे, आपको देखना है वीडियो, और वीडियो को देखते समय अपनी बुक को अपने पास में रखें, उसको हाईलाइट करना मत भूलना। देख लीजिए अगर अगर आपके पास टाइम है इतना, अगर आप टाइम दे सकते हैं कंपटीशन लाइन में, आप जाना चाहते हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, बिना पढ़े अब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और यहाँ वहाँ के चक्कर में मत रहना कि उसको पैसे दे दिए, मेरी जान पहचान है, जुगाड़ है, तो ये सब जुगाड़ अपने पास रखिए। जो इंसान आपको फंसाना चाहता है, फंसना चाहे तो आप फंस सकते हैं, फंसने के बाद में भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और औरों को आप कह सकते हैं कि अब क्या है, पैसे से कोई भी सिलेक्शन नहीं होता है। बाकी देखिए आपकी मर्जी, आपको जैसा बेस्ट लगता है वैसा करिए। मेरा काम आपको आगाह करना था, आपको गाइड करना था, सो मैंने करा। अब देखिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। फेसबुक, व्हाट्सअप, जो भी आप यूज़ करते हैं, एक्स वाई जेड नेटवर्किंग साइट, उस तक इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका स्कोर कम आता है इस वीडियो में, सच कह रहा हूँ, लूसेंट नीली वाली बुक को ईमानदारी से पढ़ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।